नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। केल्टिक मिथ्स दुनिया के सबसे बेहतरीन मिथ्स में से एक है। इन मिथ्स में हम भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणियों के बारे में जान पाते हैं, जिनमें से कुछ दयालु और शांत हैं और कुछ बहुत ही भयानक और क्रूर। उनमें से एक है लेप्रेकॉन, जिसका जिक्र केल्टिक मिथ्स के साथ साथ आयरिश लोक कथाओं में भी है, जिनमें एक लेप्रेकॉन को दर्शाया जाता है एक बौने के रूप में, जिसका कद करीब 30 से 50 सेंटीमीटर तक होता है और ये एल्व्स और नोम्स के फैमिली का हिस्सा है। ये झाड़ियों में छिपे रहते हैं और पूरे दिन एक जोड़ी जूतों को सीते रहते हैं। एक लेप्रेकॉन को एक जोड़ी जूतों को सीने में एक साल लग जाता है, क्योंकि उसके हाथों से बनाए गए जूतों में जादुई शक्तियाँ होती हैं और इन्हें मिल पाना बहुत मुश्किल है। माना जाता है कि लेप्रेकॉन्स धरती के नीचे दबे हुए खजानों को पहरा देते हैं और इसीलिए वो इंसानों से दूर रहते हैं, क्योंकि इंसान सोने के लालच में इन्हें बंदी बना लेते हैं। स्प्रिगन्स, स्प्रिगन्स फेरी फैमिली का हिस्सा है, मगर स्प्रिगन्स में और फेरीज में कुछ भी कॉमन नहीं है। केल्टिक मिथ्स के सबसे अजीब प्राणी हैं स्प्रिगन्स। स्प्रिगन्स ज्यादातर मर्द होते हैं और ये दिखने में बहुत ही बदसूरत होते हैं और इनका शरीर लकड़ी और पत्तों से बना होता है। हालांकि ये कद में काफी छोटे होते हैं, मगर ये माना जाता है कि स्प्रिगन्स दैत्यों की आत्माएं हैं, क्योंकि कद में छोटे होने के बावजूद इनमें बहुत शक्ति होती है। कुछ कहानियों में हम देखते हैं कि जब इन्हें गुस्सा आता है तो थोड़ी देर के लिए ये अपने कद को बड़ा बना सकते हैं। स्प्रिगन्स वीरान हवेलियों में रहते हैं और वहाँ दबी हुई खजानों को पहरा देते हैं, और अगर कोई इन्हें हानि पहुँचाने की कोशिश करता है तो स्प्रिगन्स उनसे बदला लेते हैं। जब किसी की किस्मत खराब चल रही होती है, जैसे कि घर टूट जाना या पालतू जानवर का मर जाना, तो उनका दोष स्प्रिगन्स को दिया जाता है। केल्टिक लोग आत्माओं में विश्वास रखते हैं और उनका ये मानना था कि मरने के बाद सिर्फ वही आत्मा दूसरे दुनिया में जा पाएगी जिसने जीते जी अच्छे काम किया था। और अगर किसी इंसान ने जीते जी अच्छे काम नहीं किए हो और उसके दिल में दूसरों के लिए नफरत भरी हुई हो, तो भगवान उसे दूसरे दुनिया में नहीं जाने देंगे और उसे हमेशा हमेशा के लिए पृथ्वी पर ही भटकना पड़ेगा। ऐसे दुष्ट आत्माओं को केल्टिक मिथ्स में स्लॉग कहते हैं। स्लॉग्स का जिक्र आयरिश और स्कॉटिश लोक कथाओं में है, क्योंकि स्लॉग एक बुरे इंसान की आत्मा है, इसलिए मरने के बाद भी उसे शांति नहीं मिल पाती और वो हमेशा दूसरों को हानि पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। क्योंकि एक बुरी आत्मा किसी का ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, इसीलिए ये हमेशा बाकी बुरे आत्माओं के साथ मिलकर एक काले बादल की तरह घूमते रहते हैं। ये ज्यादातर पश्चिम की दिशा से आते हैं और उनके घर में घुसने की कोशिश करते हैं जिस घर में कोई बीमार हो या मरने वाला हो, ताकि उस इंसान के मरने के तुरंत बाद वो उसकी आत्मा को चुरा सके और अपने साथ शामिल कर सके। इसीलिए केल्टिक मिथ्स में बीमार लोगों के कमरे में पश्चिम दिशा की खिड़की बंद रखने की सलाह दी गई है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।